अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सिटी ऑफ नॉलेज की तरफ से आपको वेलकम। आज हमारी क्लास 17, तो आज हमारा जो टॉपिक है इसको हमने एब्सोल्यूट वैल्यू को हमने एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग को हमने बताना है आपको। हमने इस एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग को समझाने के लिए रैंक फंक्शन का चूज़ किया है और रैंक फंक्शन के जरिए हम एब्सोल्यूट वैल्यू को आपको बताएंगे। सबसे पहले व्यूअर्स हम आते हैं यहाँ पर, हम इसको देखते हैं कि एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग होगी कैसे। और जब हम इसमें एक रिजल्ट शीट आपके सामने लिया है और इसके अंदर हमने रैंक का यूज़ किया है, ठीक है जी। इस रैंक के यूज़ के अंदर जो है हम कोशिश करेंगे कि रैंक निकालेंगे, और रैंक के अंदर भी ही हमारे पास आगे एब्सोल्यूट वैल्यू का यूज़ इधर ज़्यादा होता है, इसलिए मैंने रैंक चूज़ किया है। सबसे पहले हम एक रिजल्ट शीट खोल चुके हैं, हम इसको यहाँ ये करने जा रहे हैं कि हम इसको ये स्टूडेंट जो है अपनी क्लास की कौन सी पोजीशन में है, ये रैंकिंग कहलाती है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमारे पास इस रैंक को सिलेक्ट किया है कि ये बच्चा 99% लेके अपनी क्लास का पहली, दूसरी, तीसरी पोजिशन, इसी तरह होते हर बच्चा किस पोजिशन में है, ये रिजल्ट कंप्यूटर से हम कंपाइल करेंगे। इसके लिए फार्मूला लगता है रैंक का, मैंने कहा इक्वल टू, पहले रैंक को समझते हैं बाद के एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग देखते हैं। रैंक लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, ये देखो हेल्प टिप आपके सामने है, कहता है किसका रैंक निकालना है। मैंने कहा इसका रैंक निकालना है, जाहिर सी बात है इस बच्चे का रैंक इसके सामने इसी का ही रैंक होगा। ये रैंकिंग में ये नंबर कौन से रैंक में है, अब ये पूछता है, जो ही कॉमा लगाओगे इसके बाद कॉमा नंबर के बाद कॉमा है, ये रहा कॉमा लगाओगे रेफरेंस, जाहिर सी बात है किन में से रैंक निकाल रहे हो। मतलब मैंने कहा जी यहाँ से लेके ये पूरी क्लास के बच्चे जहाँ ख़त्म होंगे यहाँ तक, मतलब ये है कहता है कि N5 का रैंक निकालना है, और रैंक N5 से लेके N37 तक जितने नंबर होंगे इनमें से N5 का रैंक क्या है ये बताना है। कॉमा लगाए, अगला ऑर्डर आ रहा है, कॉमा लगाएं, ये देखो जी यहाँ पे या तो 0 करना है या तो 1 करना है। 0 करोगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, सबसे ज़्यादा नंबर वाला ऊपर 1 कहलाएगा, फिर 2, 3 डाउन की तरफ जाएगा जैसे डिसेंडिंग। अगर हम असेंडिंग 1 लिखते हैं तो सबसे कम नंबर वाला 1 कहलाएगा। अब जहाँ पर मुख्तलिफ एप्लीकेशन हो सकती हैं इसमें आप ये ज़रूर करें असेंडिंग करें, लेकिन जो एप्लीकेशन में आपके लिए जो समझाने के लिए जो मैंने शीट खोला है इसमें हमने डिसेंडिंग में करना होगा। रिजल्ट सिस्टम के अंदर सबसे ज़्यादा लेने वाला पहली पोजिशन पर आता है, फिर 2, 3, 4 जितने भी हमारे पास हैं। हमने इस ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, अब हमने इंटर कर दिया जी। व्यूअर्स फार्मूला एक ही लगता है एक्सेल में, फिर मजीद इसको कॉपी डाउन करते हैं। अब इसमें कॉपी डाउन में मसला आ जाएगा, इसलिए हम इसको एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का यूज़ करेंगे। हम यहाँ से इसको करते हैं, ये देखो जी फार्मूला मैं समझाने की कोशिश आपको कर चुका हूँ, इस फार्मूले को मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ आके मैं इस फार्मूले को पेस्ट करता हूँ। मैंने कहा रैंक N5 का ये नंबर है कॉमा, ये रेंज है N5 से लेकर N37 तक, फिर ये ऑर्डर डिसेंडिंग में होगा। अब जब अगली क्लास में आएंगे इस फार्मूले को कॉपी डाउन करेंगे तो कंप्यूटर क्या करेगा, रैंक करेगा N6 करेगा अगली दफा कॉमा, N6 से लेके N38 कर देगा, क्योंकि हर चीज इंक्रीमेंट हो रही है ना जी, ये 0 ही रहेगा। जब अगली शीट पे खींचेंगे तो ये N6 का रैंक निकालेगा, ठीक है निकालना चाहिए, और इसके बाद इसका जो रेंज आ रहा है ऊपर N5 से N37 था, अब यहाँ पा के N6 से N38 हो जाएगा, क्योंकि जब ये इंक्रीज हो रहा तो ये भी इंक्रीज होगा, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम पैदा करेगा। आते हैं देखते हैं जी शीट की तरफ, ये हमारे पास आया, आप ये देखो ये दूसरी पोजिशन पर ये बच्चा जो है 99% लेके, अब इसको मैं कॉपी डाउन करता हूँ, ये देखें जहाँ तक कुछ किया। अब देखो यहाँ पे जाके F2 से फार्मूला का एडिटिंग मोड होता है, F2 में एडिटिंग मोड में जाता है, देखें जी F2 ब्लू नंबर में तो ये सही बता रहा है इसका निकालना, रेड नंबर में ये रेड यहाँ से यहाँ तक, ये देखो रेड सिलेक्शन यहाँ से यहाँ तक निकालेगा। अच्छा जी चले जी इंटर मारते हैं, दूसरे में आते हैं, देखो जी अब देखो ये यहाँ पे देखो ये इसको शामिल ही नहीं कर रहा, ये भी यहाँ से नीचे आ गया, अब इवन कि यहाँ आ जाएँ आप इसको F2 करें, ये देखो ये रैंकिंग लेते हैं सिलेक्शन में, देखो जी ये नीचे ये यहाँ तक जा चुका है। अब जाहिर सी बात है इनमें से भी रैंक निकाल रहा है और ऊपर वाले इग्नोर हो रहे हैं तो रैंक तो गलत हो जाएगा।
इसलिए हम एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का चाहते हैं कि ये यूज करें यहाँ पे। मैं चाहूंगा ये कि ये वाला जो N19 ये नंबर तो जरूर इंक्रीमेंट हो जाए, लेकिन ये रेंज कांस्टेंट रहे, ये नहीं रेंज चेंज नहीं होनी चाहिए, इस रेंज सेम है, कॉपी डाउन नहीं होनी चाहिए। तो लिहाजा हम इस रेंज को एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग पर डाल देंगे। एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग पर कैसे डालेंगे? सपोज करें इस सेल एड्रेस के अंदर N5 कॉलम है, 5 रो है, N कॉलम है, 37 रो है। अब यहां पर अपने फार्मूले में आते हैं, ये कॉलम बढ़ रहा है या रो बढ़ रहा है? कॉलम तो नहीं बढ़ रहा, सिर्फ रो बढ़ रहा है। ये देखो ये N6 हो रहा है, N38 हो रहा है, यहाँ पे N7 N39 हो रहा है। तो हमने सिर्फ किसको रोकना है? रो को रोकना है। तो हम रो को सामने डॉलर का साइन लगाएंगे, ये कीबोर्ड से डॉलर, सॉरी ये तो होता रहना चाहिए ना, ये रेंज नहीं होना चाहिए। ये डॉलर का साइन लगाया यहाँ पाके, ये डॉलर का साइन। अब जनाब अब N$5 के क्या आप कंफ्यूज ना हो, ये N5 ही है। डॉलर का मतलब ये कि हमने 5 को एब्सोल्यूट बनाया है, 5 नहीं चेंज होगा। यहाँ पे N37 ही है, डॉलर सिर्फ इसलिए है कि ये 37 को एब्सोल्यूट बनाएगा। अब देखो जी हम आते हैं अपनी क्लास में, यहाँ पर आए, मैंने कहा N जो रेंज था हमारा, नंबर रेफरेंस था, इसको हमने N$5 से लेकर N$37 तक, ये देखें। अब जब मैं इसको कॉपी करूँगा, आप पूरा करें बेफिक्र हुए करें जी, यहाँ के आगे देखें, ये कोई है इसको जीरो कर दो जी। अच्छा यहाँ पाके आप जरा F2 चेक करो, ये ब्लू वाला जो रेफरेंस है ये तो यहाँ आया, लेकिन देखो सिलेक्शन अभी तक वही है क्योंकि हमने इसको एब्सोल्यूट बनाया है। किस को? सिर्फ रो को। व्यूअर्स यहाँ पे मुख्तलिफ एप्लीकेशन के ऊपर जरूरी नहीं सिर्फ रो को, बाज दफा हम फार्मूले को इस तरफ भी खींचना पड़ता है। मैं इसकी मिसाल आपको देता हूँ, यहाँ पर हम आ गए जी, काउंट ए किया, ये मैंने पहले फार्मूला क्लास में आपको समझाया है, ये हमने लिया काउंट ए, सपोज करें यहाँ से एक और टर्म लगा लेते हैं, काउंट लगा लेते हैं, टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास इसमें कितने हैं, ये यहाँ से लेंगे, ये जितने नंबर हैं जाहिर सी बात है इसको काउंट करेगा सॉरी, तो ये हमारे पास 32 स्टूडेंट हैं, इसमें से 32 जो है अपीयर स्टूडेंट, 31 है, एक एब्सेंट था यहाँ कहीं पे, ये देखो, और एब्सेंट स्टूडेंट 1 है, पास स्टूडेंट 30 हैं, फेल स्टूडेंट 1 है, तो ये परसेंटेज आ रही है। अब यहाँ पे इस क्लास की परसेंटेज में निकालना चाह रहा हूँ, जरा मैं इसको इंसर्ट करता हूँ, ये मैं पहले कर चुका हूँ, वैसे यहाँ से मैंने किया इक्वल टू, अगर यहाँ परसेंटेज निकालना है इक्वल टू, मैंने कहा जी काउंट इफ लगाया, इस पूरे को मैंने सेलेक्ट कर लिया, मैं सबको काउंट तो नहीं करता, काउंट इफ करता हूँ रेंज, मैंने कहा कॉमा लगाया, ये सिर्फ इनको करता हूँ इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ग्रेटर देन 40 वाले, ठीक है, ग्रेटर देन 40 वाले क्लोज, ये मैं पहली क्लास में पढ़ा चुका हूँ, मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा इसमें जी, ये बच्चे पास हैं वो 16 हैं इस सब्जेक्ट में, इसी तरह मैंने इसको कॉपी कर दिया, यहाँ तक आ गए, हर सब्जेक्ट को मैंने दिया, ये देखो जी ये 16 है बच्चे, इसमें 14 पास, इसमें 10 पास हैं, 15 पास हैं, 15 पास हैं, 0 पास हैं, इसमें न्यू नंबर नहीं है। अब यहाँ पर हम आ गए इक्वल टू, जो पास हैं मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय दिस टोटल स्टूडेंट, बल्कि अपीयर स्टूडेंट ले लेंगे। अब जब इसको यहां से इसको देखो जी यहां पर आ रहा है, ये देखिए जी यहां पे E41 आ रहा है, ये E41 तो सेम रहेगा ना, ये से आगे तो कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ इसको आगे जाना है। अब देखो जी इसको मैं आगे लेके जाता हूं, ये देखो खराब हो रहा है, क्यों खराब हो रहा है? ये E41, ये F41 आ रहा है, ये G41 आ रहा है, ये बढ़ रहा है, तो लिहाजा हम इसको E को हम एब्सोल्यूट बनाएंगे। यहाँ पर हमने उधर हमने पहली क्लास में इससे पहले में हमने रो को बनाया था, अब हम इसको बनाएंगे। अब देखो जी इसी को एब्सोल्यूट बनाने के बस को आगे में खींचूंगा, ये देखें जी अब फार्मूले सही आ रहे हैं, ये हर क्लास का सब्जेक्ट परसेंटेज रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। हम सेल को भी एब्सोल्यूट बना सकते हैं, हम सॉरी कॉलम को भी बना सकते हैं, हम रो को भी बना सकते हैं, दोनों को बना, ये देखो यहाँ पे दोनों को बना रहा हूँ, N5 का मतलब है डॉलर N$5, ये भी कर सकता हूँ, ये N5 ही है, डॉलर भी एब्सोल्यूट है और ये भी N37 ही है, यहाँ डॉलर N$37 करूँगा तो ये होगा। अब मैं इसको
खींचूंगा। व्यूवर्स, मैंने आज आपको बताया कि हमने इसके एब्सोल्यूट कैसे बनाना है। ये देखो, इसमें पहली पोजीशन पर बच्चे ये है 99.33, दूसरे पोजीशन पर 99, तीसरे पोजीशन पर 97, चौथे पोजीशन पर 96। बाकायदे ये रैंकिंग करेगा, ये जहाँ तक ये मुख्तलिफ रैंकिंग हो जाएगी यहाँ तक कर देगा। अच्छा जी, इसके बाद हमने आपको व्यूवर्स ये क्लास हमने रैंक समझाया, रैंक के अंदर एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग को आपको समझाया कि एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग है क्या, और इसके अंदर हमने रैंक का फंक्शन भी समझाया कि रैंक का फंक्शन हम इसमें भी लगा सकते हैं, रैंक का फंक्शन हमने इधर, हमने एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग इधर भी हमें काम आया। ये देखिए जी, डॉलर ई, जब डॉलर नहीं लगाते तो ये आगे की तरफ ये वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती, हमें इस वैल्यू को कांस्टेंट करना है। उम्मीद है अगर क्लास समझ आ गई होगी, क्लास समझ आई है तो लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, इससे हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। और आपको तो हम क्लास दे रहे हैं, आपका कोई पैसा नहीं जाता, अगर इसमें सब्सक्राइब और बेल के आइकन को प्रेस करेंगे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, हमें बहुत फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया जी।